सो फाइनली आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप स्नैपचैट के फोटो को अपने गैलरी में ले सकते हो। अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि स्नैपचैट की फोटोज गैलरी में नहीं जाते, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको कैसे जाएंगे आपके स्नैपचैट के सभी फोटो गैलरी के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले मैं स्नैपचैट को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको स्नैपचैट में लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर कुछ फोटोज को क्लिक करके आपके सामने गैलरी के अंदर लेके जाऊंगा। और गाइस देखिए, यहाँ पर हम एक फोटोज को क्लिक करते हैं, तो ये फोटो अभी हमने क्लिक कर लिया है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर देखिए साइड में सेव का ऑप्शन मिल रहा है, सबसे पहले आपको सेव पर क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हो तो इसके बाद देखिए गाइस आपको यहाँ पर बैक करना है। और जब आपका यहाँ पर दोबारा से कैमरा स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन मिलता है ये फोटोज का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये फोटो यहाँ पर आ चुका है, तो इस फोटो पर हमने टैप करना है। और टैप करने के बाद गाइस आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। और हमको अभी सेव करना है गैलरी में, तो आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद चाहे आप डायरेक्टली से इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, मैसेंजर पर या फेसबुक पर। अभी हमें गैलरी में लेके जाना है, तो सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख सकते हो एक्सपोर्टिंग स्नैप, योर स्नैप वॉज एक्सपोर्टेड। अब हम गैलरी के अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ हमारा फोटो आया है क्या नहीं आया है। तो हम यहाँ पर फोटोज में आते हैं, और फोटोज में आने के बाद गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फोटो आया है कि नहीं आया है। तो एल्बम में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये फोटो आ चुका है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको फोटो को अपने गैलरी के अंदर सेव करने हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, एंड पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर आपको जान गंडा मिलता।